प्रिय दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार और आप देख रहे हैं विक्रम सिंह तोमर का व्लॉग चैनल। जय श्री शनिदेव भगवान की जय। विक्रम सिंह के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तुला राशि वालों के लिए आज रिश्ते में आपका बर्ताव महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राशियां कैसा रहेगा आपका दिन शुरुआत करते हैं। आज के शुभ विचार से जिंदगी एक अनंत सफर है, इसे खुशी से भरो और सपनों को पूरा करने का इरादा रखो। कठिनाइयों का सामना करने में हमेशा आगे बढ़ो क्योंकि उनमें सफलता की सीढ़ियां छुपी होती है। जब तक आप खुद में विश्वास नहीं करती तब तक कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने से मत डरो क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मूल मंत्र रहे। आज का पंचांग 10 जून 2024 दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 4:15 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र रात्रि 9:39 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 7:25 से 9:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:59 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। व्रत चतुर्थी और सोमवार व्रत की शुभकामनाएं। तुला राशि 10 जून 2024 दिन सोमवार। तुला राशि वाले कारोबारी, नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन अच्छा रहेगा। काम धंधे के समय व्यापारिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं बनाएंगे जिससे आर्थिक लाभ होगा। इसके स्थान पर खुशी और प्यार दे और आपको भी बदले में खूब खुशी और प्यार मिलेगा। अपने काम की मारामारी वाली जिंदगी में अपनी सहकर्मियों के साथ किसी छोटी सी यात्रा पर जाकर रंग भर सकते हैं। यह समय आपकी अच्छी किस्मत का है। सलाहकार की मदद से कुछ लाभ मिल सकता है। कुछ नई योजनाएं भी शुरू की जा सकती है। रियल एस्टेट से संबंधित कार्यों को गति मिलेगी और काम तेजी से करने को लेकर दबाव की स्थिति बनी रहेगी। भूमि संपत्ति संबंधित कार्यों में किसी सौदे के अंतर्गत लाभ हो सकता है। आय के नए स्रोत बनेंगे और आपको विशेष सम्मान मिलेगा। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज ऑफिस के काम की वजह से पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। आपने अपने कामों में आज से पहले कभी भी इतना संतुष्ट महसूस नहीं किया होगा। अन्य लोग आपको जो सुझाव देते हैं उन पर ध्यान दे क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद है। सही समय पर सही विचार व्यक्त करना वास्तविक चुनौती है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज का दिन और पल बहुत अच्छा है। अगर आप अपने साथी की नजरिए को नजरअंदाज करेंगे, पारिवारिक जीवन की बात करें तो तुला राशि वालों के परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा। बड़े बुजुर्गों के साथ कोई ना कोई धार्मिक कार्य पर चर्चा होगी। कोई दान पुण्य, भंडारा, लंगर आदि कार्यों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। सायंकाल के समय किसी सामाजिक समारोह में शामिल होने से सम्मान बढ़ेगा। निजी मामले नियंत्रण में रहे। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं तो वह आज आपसे शिकायत कर सकते हैं क्योंकि आप उनको पर्याप्त समय नहीं दे। आप महसूस करेंगे कि आप दोनों में कितना प्यार है। आज परिवार के साथ शॉपिंग पर जाना भी संभव लग रहा है लेकिन शॉपिंग जेब पर भारी पड़ सकती है। ख्याल रखें, घर में खास रिश्तेदारों के आने से चहल पहल और व्यस्त रहेगी।
आप अपने व्यक्तित्व का सहारा, आप अपने व्यक्तित्व का व्यवहार को निखारने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आप अवश्य सफल होंगे। बच्चों की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न भी रहेगा। परिवार के खिलाफ जाकर निर्णय लेने की गलती बिल्कुल ना करें। जिन बातों से संबंधित चिंता, उसे दूर करने का रास्ता मिलेगा। अपने संगत को बार बार परखना आपके लिए आवश्यक होगा, वरना नकारात्मक लोगों की संगत का असर आपके विचारों पर होगा। संतान के लिए मंगलकारी समय है, सुख प्राप्त होगा, कोई उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। दोपहर में आय कम होगी। जमीन संबंधित कोई काम करने के लिए शाम के समय का चयन करें। भाइयों से सहयोग मिलेगा। धन कार्य की शुरुआत हो सकती है, इससे आपको कोई खास निर्णय लेने में सहजता होगी। भावनाओं में बहकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि दूसरों के मामलों में ना ही उलझी अपनी बातचीत के लहजे में थोड़ी नरमी लाना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की, दांपत्य जीवन के मूड में नहीं है, इसलिए आपको अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना होगा। बेहतर होगा कि आप, कोई विवाद स्टार्ट होने वाले हैं। आज छोटी मोटी कहा सुनी भी बड़े वादों का रूप ले सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे भी अधिक उग्र स्वभाव में हैं। अगर आप पहले उलटफेर से बचना चाहते हैं तो आपको रोमांटिक मामलों में भी सावधान रहना होगा। प्रियजनों को आज आपकी आवश्यकता है। यह समय आपके लिए बहुत संतोषजनक है। दूसरों के द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान दें, ताकि आप खुद के काम को और भी बेहतर तरीके से कर सके। आज आपका दिल प्यार के गीत गा रहा है, क्योंकि आपके लव लाइफ और रंगीन होने जा रही है। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं तो प्रयास करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। करियर की बात करते हैं। अपनी शक्ति व कमजोरी को जानें व कमजोरियों को सुधारने की दिशा में प्रयास करें, जिससे लोगों के बीच आप प्रसिद्ध हैं। जीवन के चरण में आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आज दूसरों के सुझावों के साथ साथ उनकी इच्छाओं पर भी ध्यान दें। सही समय और सही जगह पर अपना विचार व्यक्त करना भी जीवन की असली चुनौती है। अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का समय बेहतरीन है। आज के दिन आपको अपने सहकर्मियों के साथ सतर्कता भी बरतनी होगी। कुछ तर्क वितर्क और विवाद के कारण आपके ऑफिस का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए वे फालतू के बाद विवाद से अपने आप को बचा कर रखें। आज के दिन धातु या कृषि उत्पाद में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके प्रयासों से व्यवसायिक कार्यभार बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण इंसान का साथ मिल सकता है। नौकरी में कागजी काम बहुत ध्यान से करें, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। समय अत्यधिक सावधानी का है। विरोधी ज्यादा हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। योजनाएं किसी को बताए नहीं। राजनीति से जुड़े लोग सचेत रहे। संतोषजनक से कार्य करें। निवेश से बचे। तुला राशि वालों के सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। हृदय रोगी अपनी दवा एवं परहेज को लेकर कोई लापरवाही ना करें। सेहत की आप आज बिना किसी बात के तनावग्रस्त महसूस करेंगे। आज खुश बने रहना आपको जरा मुश्किल ही लगेगा, लेकिन आपको यही करने की जरूरत है। आज का उपाय, परिवार में सुख शांति के लिए गेहूं के आटे, घी व शक्कर से बनी चीजों का शिवजी का भोग लगाएं, फिर उसको गरीब व जरूरतमंद लोगों में बांट दें, फिर पूरे परिवार में बांट दें। आज आप शिवलिंग पर 5 अमृत चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं, शुभ रहेगा।
सोमवार का व्रत करें और शिवलिंग की प्रदोष काल में पूजा करें। प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।